हर स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, हायर स्टडीज में जाना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, लेकिन अक्सर बात रुक जाती है हायर स्टडीज के खर्चों पर। बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फेलोशिप और स्कॉलरशिप हैं जिनके ज़रिए आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंग रूट। आज के शो में हम आपको बताएंगे उन फेलोशिप्स के बारे में जो रिसर्च स्कॉलर्स को दिए जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनी बेसेंट फेलोशिप से। एनी बेसेंट फेलोशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेज के अंतर्गत BHU की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य स्टूडेंट को PG के बाद PhD प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस फेलोशिप के लिए यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कम से कम 8.5 CGPA के साथ शीर्ष 5 परसेंटाइल में होना चाहिए। आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर रिसर्च स्कॉलर एक साल के अंदर JRF, NET, UGC, CSIR, Inspire क्लियर कर लेता है तो यूनिवर्सिटी की ओर से हर महीने कैश इंसेंटिव 5,000 रुपये मिलेंगे अगर स्टूडेंट के वो साल भर के अंदर JRF निकाल लें। अगर स्कॉलर दूसरे साल भी JRF, NET, UGC, CSIR, Inspire क्लियर नहीं कर पाता है तो यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरे साल से फेलोशिप में 50% की कटौती कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर स्टूडेंट को किसी भी स्तर पर PMRF यानी कि द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिली है तो भी यूनिवर्सिटी उसे टॉपअप फेलोशिप नहीं देगी। BHU एनी बेसेंट फेलोशिप के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। ये तो हो गई एनी बेसेंट फेलोशिप की बात। अब PhD की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दूसरी फेलोशिप के बारे में भी जान लेते हैं। पहले नंबर पर है प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप फॉर डॉक्टोरल रिसर्च। प्रोग्राम केंद्र सरकार की देखरेख में संचालित होता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ये PhD प्रोग्राम प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत शुरुआत में 70,000 से लेकर 87,000 रुपये सालाना तक मिलते हैं। ये उन्हीं दी जाती है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन में PhD करना चाहते हैं। दूसरी है फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप। ये PhD करने वाले स्कॉलर को 6 से 9 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। ये उन छात्रों को मिलती है जो मशीन लर्निंग, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ में PhD कर रहे होते हैं। साथ ही इसमें ट्यूशन फीस, राउंड ट्रिप, इकोनॉमी क्लास, एयर ट्रैवल और दूसरे अलाउंसेस भी कवर होते हैं। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप उन स्कॉलर्स को दी जाती है जो साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप को हायर एजुकेशन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन 2 साल की है। साथ ही स्कॉलरशिप के लिए एनरोल करने वाला स्कॉलर का पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना ज़रूरी है। साथ ही उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा है गूगल PhD फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम। ये फेलोशिप प्रोग्राम गूगल द्वारा कंप्यूटर साइंस या संबंधित विषयों में PhD करने वालों को दी जाती है। गूगल PhD फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम से मंथली फेलोशिप रकम के साथ गूगल में इंटर्नशिप करने का भी ऑफर मिलता है। इसके अलावा इस फेलोशिप में स्टूडेंट के खर्च भी कवर किए जाते हैं। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में दाखिला लेना ज़रूरी है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही भारत के किसी मान्यता प्राप्त संगठन में वर्किंग प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। पांचवा है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। ये फेलोशिप प्रोग्राम भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका लाभ वे उम्मीदवार उठा सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से कम है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत 5 साल के लिए प्रतिमा 28,000 रुपए मिलते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ऑफर किए जाने वाले इस प्रोग्राम का लाभ वो छात्र उठा सकते हैं जो MPhil या PhD साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं। ये कुछ फेलोशिप हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाती हैं। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है। इन फेलोशिप के बारे में अधिक जानकारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए।
rungroot@lallantop.com पर, और हाँ हमारा चैनल रंगरूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।